स्वाकुकुलभूषण गोब्राह्मण प्रतिपाल महाराज श्री रामचंद्र की जय हो जय हो जय हो। ओ भगवान सात अश्व के रथ पर सारथी सोहे अरुण महान आदित्य सूर्य भगवान आदित्य सूर्य भगवान सूर्य वंश के दीप्तिमान कुल दीपक है श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जग में मर्यादा पुरुषोत्तम जग में अमर रहेगा नाम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इसी वंश में हरिश्चंद्र से राजा हुए महान सत्य के खातिर किया जिन्होंने सत्य के खातिर किया जिन्होंने सब सुख का बलिदान श्री राम श्री राम। ओ पतित पावनी गंगा को तप करके भगीरथ लाए गौरक्षक राजा दिलीप ने गौरक्षक राजा दिलीप ने पुण्य पंथ दिखलाए श्री राम श्री राम। रघुराज के विश्व विजय से कुल रघुकुल कहलाया अश्वमेध कर अजने फिर इस अश्वमेध कर अजने फिर इस कुल का मान बढ़ाया श्री राम श्री राम। वचन निभा कर दशरथ ने रघुकुल की कीर्ति बढ़ाई प्राण जाए पर वचन न जाए प्राण जाए पर वचन न जाए जिसने रीत चलाई श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ओ इसी प्रतापी पुण्य वंश में तुमने लिया शांतिमय राम राज्य से सुख शांतिमय कर दो सब संसार श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। रामचंद्र की जय जय जय। लीजिए गुरुदेव रामायण तो पूरी हो गई आनंद परम आनंद आज महर्षि वाल्मीकि का महाकाव्य संपूर्ण हो गया। हाँ वत्सालोचन देवी शारदा की कृपा से मेरे जीवन का ये महान ध्येय पूरा हो गया। कैसी सुंदर रचना कैसा श्रुति मधुर काव्य। हाँ वत्स श्री राम का उज्जवल चरित्र ही स्वयं काव्य है जो लिखने वाले को कवि बना देता है। बस अब तो यही इच्छा है कि श्री राम का चरित्र श्री राम ही को सुना दूं। रोहित आज्ञा गुरुदेव। देखो तुम आज ही अयोध्या चले जाओ श्री राम से मेरा आशीर्वाद कहना और निवेदन करना कि ईश्वर की कृपा से आपके चरित्र पर
मैं जो रामायण नामक महाकाव्य लिख रहा था वो आज पूरा हो गया और आपके सामने इस चरित्र का गान करने की वाल्मीकि की इच्छा, इसलिए आप कोई उचित समय देने की कृपा करें। जो आज्ञा। और सुनो रोहित, कुलगुरु वशिष्ठ जी से मेरा प्रणाम कहना और श्री रामचंद्र जी से ये भी कहना कि आपके राज्य में धन धान्य सुख शांति और वैभव का निवास है, ये देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है। मेरा आशीर्वाद है कि राम राज्य एक आदर्श राज्य। ठहरे रोहित, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, मुझे भी अयोध्या देखना है। नहीं नहीं वासंती, तुम मत जाओ, अयोध्या बहुत दूर है, चल न सकोगी। क्यों न चल सकूंगी, मैं तो दौड़ती हुई जाऊंगी, देखिए यूं। आलोचन, बड़ी नटखट है तुम्हारी बेटी, ये नहीं मानेगी। चिंता न करे गुरुदेव, और लोग भी तो अयोध्या जा रहे हैं, वासंती उनके साथ जाएगी। अभी अभी संदेश आया है, महारानी सीता का सीमंत उत्सव होने वाला है। लो, ये भी शुभ संदेश आया, तब तो रघुकुल में जल्दी ही तेजस्वी राजकुमार का जन्म होगा।
सौभाग्यवती हो बेटी, दूध नहाओ और पुत्र पालो। पुत्रवती भो क्या कर रही हैं महारानी जी? नहीं नहीं, ऋषि कन्या हमारे लिए सर्वदा पूज्य है। महारानी जी, महर्षि वाल्मीकि जी ने आपको आशीर्वाद कहा है। धन्यवाद। तो तुम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती हो, गंगा के किनारे? आहा, कितना सुंदर स्थान, कैसा पवित्र तपोवन। तुम धन्य हो।